तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Apache RTR 164V। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, हम लोगों ने उसको कर लिया परचेज और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सर्विस के बाद कौन कौन सी चीज़ें मतलब हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। तो चलो डायरेक्ट मिलता हूं मैं आपसे रियल कैमरे में बताता हूं मैं आपको सारी की सारी चीज़ कि उसके अंदर ऐसा कौन कौन सा काम हुआ है, जो कि हमें कुछ ऐसा काम है जो कराना चाहिए, कुछ ऐसा काम है जो कि नहीं कराना चाहिए। डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट रियल कैमरे। तो दोस्तों फाइनली इसकी सर्विस पहली जो थी वो हमने कंप्लीट करा ली है। और इसके अंदर क्या है, अगर आप लोग चाहो तो इसमें चैन ल्यूब अलग से अपना स्प्रे ले लो भाई, वो मत लगवाओ। और एक जो चीज़ और बता रहे थे वो लोग, TVS का एडिशनल कुछ पेट्रोल टैंक में डालने वाला है भाई, वो भी मत डलवाना, ठीक है। क्योंकि हम जो है अपनी बाइक के अंदर स्पीड का पेट्रोल डलवाते हैं, इसलिए उसको डलवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 300 रुपये के समथिंग का था, तो भाई वो मत डलवाना, ठीक है। और रही बात अभी प्रॉपरली इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर एक इंजन ऑयल और एक एयर फिल्टर स्पार्क प्लग उन लोगों ने अपने मशीन से क्लीन कर दिया होगा। एक चीज़ की मुझे थोड़ी दिक्कत लगी, वो ये था कि भाई वॉशिंग सही नहीं करी। वॉशिंग देख ली जाए तो ये देखो, जैसे एक वॉशिंग होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई। ये देखो वॉशिंग के मामले में मुझे बेकार लगी कि वॉशिंग इसकी तो जो थी वो सही है। और दूसरी अगर चीज़ देखी जाए तो देखो इसके अंदर क्या है, जो चैन कवर तो इसके अंदर दे दिया, लेकिन भाई फॉर्मेलिटी वाला कोई वो नहीं है। और रेड अलॉय व्हील जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, रेड अलॉय व्हील के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई इसको अगर हल्के से भी गंदे हुए ना, बहुत बेकार लगने वाला है। जैसे ये तुम इसमें देख रहे हो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक अलॉय व्हील में आप कितनी भी कर लो, थोड़ा सा कपड़ा मारो साफ, लेकिन रेड या कोई किसी भी अलग अलॉय व्हील के अंदर, तो इसके अंदर क्या था, बस वही चीज़ लगी। बाकी ओवरऑल भाई TVS वालों एक चीज़ का ध्यान रखो, तुम लोगों ने ब्लूटूथ की फंक्शन तो दे दी है, लेकिन भाई जेन्युइन ही बता रहा हूँ, कनेक्ट करना नहीं आ रहा किसी को भी, सर्विस सेंटर में किसी को भी कनेक्ट करना नहीं आ रहा, टाल मार देते हैं। अब मैं आप लोगों को खुद ही वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट होगा कैसे। तो दो चार चीज़ें हैं भाई, सही भी है नहीं भी है सही, अब बाकी फ्री है तो सर्विस भाई करानी पड़ेगी। ओवरऑल जो इसके अंदर मेरा खर्चा आ रहा था वो 1200 के समथिंग का आ रहा था, जो खर्चा आ रहा था वो 1200 के समथिंग का आ रहा था। 800 रुपये का इसका इंजन ऑयल था और ऑयल फिल्टर समथिंग 70 रुपये का था। तो यही दो चीज़ मैंने चेंज करवाई है, और बाकी चैन ल्यूब मैंने इसमें नहीं करवाया, क्योंकि चैन ल्यूब मैं ऑलरेडी पहले ही लेके आ चुका हूँ। तो चैन ल्यूब के जो पैसे थे वो भी मैंने माइनस करवा दिए, और जो इसके अंदर वो डाल रहे थे पेट्रोल का कुछ एक्टिव ऐसे कुछ बता रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी मैंने नहीं डलवाया। तो मोटा मोटा खर्चा अगर देखा जाए तो 500 रुपये के समथिंग अब बच गए थे। बाकी ओवरऑल अगर आप ये बाइक लेते हो तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस होगी वो 900 रुपये के अराउंड समथिंग होगी बस। बाकी स्टेट टू स्टेट वेरीफाई करते हैं कि कितना पड़ता है क्या नहीं पड़ता। बाकी तो ओवरऑल देखो यार, सही करी है, वॉश कर दी, पॉलिश मार दी। और वहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा था कि आप इसके ऊपर PPF करवा लो या ये सब कोटिंग, तो वो आप लोग की इच्छा, आप लोग करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से करवाने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि हमारा तो ये है कि भाई हम लॉन्ग टूर वाले बंदे हैं, तो भाई मिट्टी कितनी भी कर लो, कुछ भी करा लो, नहीं होता आराम से। मैट में क्या होता है, एक हल्का सा कपड़ा मारो, बिल्कुल चमड़ी का जरूर ध्यान रखें जब भी आप अपनी फर्स्ट सर्विस कराएं या सेकंड सर्विस, जो भी सर्विस कराएं उसमें आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। और एक चीज़ और, अगर वहाँ पे अगर आप लंबे टाइम के लिए छोड़ो, जैसे मैं सुबह चला गया था 8 बजे के आसपास, तो मुझे 1 बजे के समथिंग का टाइम दिया था, लेकिन मैं बाद में गया था। ये है कि वो इतने टाइम पीरियड के अंदर आपकी गाड़ी की सर्विस जो है वो कर देंगे। ओवरऑल बाकी तो और कोई एक चीज़ बस बुरी लग गई यार, मेरे साइलेंसर की पन्नी हटा दी लोगों ने, वो चीज़ लगी, बाकी तो खैर कोई नहीं। ये है कि जितनी सुबह चले जाओगे उतनी जल्दी गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप डेली यूज़ के लिए इसी को चलाने वाले, मतलब एक ही बाइक को चलाते हो, तो सुबह सुबह चले जाओ, अदरवाइज़ संडे को मत जाना भाई, हाउसफुल मिलने वाला, बिल्कुल नंबर ही नहीं आएगा। तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल सर्विस के मामले में मुझे स्मूथनेस में लगी, पहली सर्विस होने के बाद एक हल्का सा स्मूथ जो था वो सब इसके अंदर आ गया। बाकी आगे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे इसी बाइक से रिलेटेड। और बाकी भाई वो तुम लोगों की डिमांड में है ना, अब इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बोला कि रोडियो की वीडियो बनाओ, तो बनाएंगे अभी। अभी मैं उसे नीचे ला रहा हूँ क्योंकि इसकी 500 किलोमीटर की सर्विस थी, इसलिए उसको मैं अब आने वाले आपके व्लॉग में दिखा दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने प्रॉपरली वीडियो को एंजॉय कर लिया होगा, वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि इसके अंदर आप लोगों को कभी भी, आप इसके अंदर इंजन ऑयल के साथ आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे ऑयल फिल्टर की बात करी थी, तो इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर तो आपको जरूर चेंज करवाना है। लेकिन अगर मैं उसी के साथ की बात करूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में, नेक्स्ट चीज़ ये है कि वो कुछ एडिटिव ऑयल बता रहे थे जो कि हमें पेट्रोल टैंक में डालना चाहिए। लेकिन देखो मैं अगर आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग उसमें स्पीड का पेट्रोल डलवा रहे हो तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हो ना तो भाई आप उसमें डलवा लो, लेकिन अगर स्पीड का पेट्रोल डलवा तो कोई ज़रूरत नहीं, उसमें कोई भी कुछ भी डलवाने की। दूसरी जो चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि भाई, और एक था चैन ल्यूब, तो चैन ल्यूब भाई आप लोग आफ्टर मार्केट खरीद लो,
सौ से 150 रुपए का अच्छे से अच्छे ब्रांड का मिल जाता है। 100 से 150 रुपए का खरीद लो और एक बारी क्या बार बार उसको, मतलब 3-4 बारी आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो 3 से 4 बारी आप उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाई चैन ल्यूब और एडिटिव ऑयल, ठीक है। तो ये दोनों डलवाने की आप लोगों को खैर जरूरत नहीं। अगर स्पीड का पेट्रोल डलवाए तो मत डलवाओ, और अगर नॉर्मल पेट्रोल डलवाए तो फिर डलवा लो, नॉर्मल पेट्रोल में डलवा लो, क्योंकि भाई रिफाइनमेंट भी तो चाहिए यार, और स्पीड का पेट्रोल तो खैर वैसे भी अच्छा खासा रिफाइनमेंट नहीं देता है बाइक के अंदर। तो दोस्तों वीडियो सही तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो कर लीजिए। राहुल बॉक्स टर्न करके, और दूसरा है भाई आर के ऑटो सर्विस, दोनों को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।